शांति। आज की तारीख है 25/11/22 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे शिव बाबा। ब्रह्मा बाप के द्वारा कहते हैं, मीठे बच्चे अवगुणों को निकाल, साफ दिल बनो, सच्चाई और पवित्रता का गुण धारण करो तो सेवा में सफलता मिलती रहेगी। प्रश्न है, तुम ब्राह्मण बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब और कैसे बनेगी? उत्तर, जब लड़ाई का सामान पूरा तैयार हो जाएगा तब तुम सब की कर्मातीत अवस्था नंबरवार बन जाएगी। अभी रेस चल रही है कर्मातीत बनने के लिए, पुरानी दुनिया से बुद्धि निकल जानी चाहिए। शिव बाबा, जिनसे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है उनके सिवाय दूसरा कोई याद न आए और पूरा पवित्र बनो। गीत बजा है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। धारणा के लिए मुख्य सार के दो गीता के मधुर महावाक्य। नंबर 1, बाप का बनकर माया के वश नहीं होना है, कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है, बाप को भूल नास्तिक नहीं बनना है। नंबर 2, बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है, बेहद खुशी में रहकर विशाल बुद्धि बन सेवा करनी है। वरदान सतगुरु बाबा का, दिल की समीपता द्वारा सहयोग का अधिकार प्राप्त कर उमंग उत्साह में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। बाबा कहते हैं, जो बच्चे दूर बैठे भी सदा बाप की दिल के समीप हैं, उन्हें सहयोग का अधिकार प्राप्त है और अंत तक सहयोग मिलता रहेगा। इसीलिए इस अधिकार की स्मृति से कभी भी न तो कमजोर बनना और ना ही दिल शिकस्त बनना, न पुरुषार्थ में साधारण पुरुषार्थी बनना। बाप कंबाइंड है, इसलिए सदा उमंग और उत्साह से तीव्र पुरुषार्थी बन आगे बढ़ते रहना। कमजोरी व दिल शिकस्तपन बाप के हवाले कर दो, अपने पास सिर्फ उमंग और उत्साह को रखो। स्लोगन है, श्रीमत के कदम पर कदम रखते चलो तो संपूर्णता की मंजिल समीप आ जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।